सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आपका अपना चैनल स्काईलाइट स्टडी 100K यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा कर चुका है, यानी हमारा परिवार, हमारा यूट्यूब परिवार 1 लाख सब्सक्राइबर का हो चुका है। ये सब आपके प्यार का, सब आपके स्नेह का, आपके सपोर्ट का रिजल्ट है। और मैं आप सबसे निवेदन भी करना चाहूंगा कि ऐसे ही हमारे ऊपर विश्वास, प्यार, स्नेह बनाए रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि 11th का रजिस्ट्रेशन जो अभी शुरू हुआ है, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। इस 11th के रजिस्ट्रेशन के बारे में अभी भी कई सारे डाउट, कई सारे सवाल बच्चों के मन में हैं। जैसे कि 11th का रजिस्ट्रेशन या इंटर सेशन 2023-25 का रजिस्ट्रेशन, नोटिफिकेशन तो आ गया, डेट आ गया, लेकिन स्कूल और कॉलेज असल में शुरू कब से करेंगे, स्कूल कॉलेज में फॉर्म भरने की शुरुआत कब से होगी, और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में, इस फॉर्म को भरने के दौरान हम अपने डिटेल्स में कुछ बदलाव कर सकते हैं कि नहीं, लाइक अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जाति, धर्म, कैटेगरी, कोटी वगैरह, सब्जेक्ट वगैरह, ये सब बदल सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे के मन में ये सवाल है कि वो अपना संकाय, अपनी फैकल्टी, यानी आर्ट्स से साइंस, साइंस से आर्ट्स, कॉमर्स से साइंस, इस तरह से ये अपनी फैकल्टी को बदल सकता है कि नहीं, सारी बातें बिल्कुल क्लियर होने वाली है इस वीडियो में। बिल्कुल अंत तक आप बने रहिएगा, आपके एक एक सवाल का जवाब मिलेगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन के अनुसार जो इंटर का रजिस्ट्रेशन होगा वह शुरुआत किया गया है 20 सितंबर 2023 से। यानी इंटर के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई कब से? 20 सितंबर से। लास्ट डेट रखा गया है 11 अक्टूबर 2023 तक। इस डेट के अंदर, जैसा कि आप पहले भी देखते होंगे कि बिहार बोर्ड कभी भी कोई नोटिफिकेशन जब जारी करता है, नोटिफिकेशन पहले आता है और उससे जुड़े जो काम होते हैं, वेबसाइट वगैरह खोलना, लिंक खोलना, जो फॉर्म जारी करना होता है, ये सब थोड़ा लेट हो जाता है। तो 20 तारीख को डेट तो जारी कर दिया गया, लेकिन अभी तक ना इसका लिंक जारी हुआ है, ना इसका फॉर्म जारी हुआ है। तो एक बात स्पष्ट समझिए कि आपका 20 तारीख से फॉर्म भरने की शुरुआत तो 100% नहीं होगी और हुई भी नहीं, और ये 25 तारीख या उसके बाद ही फॉर्म भरने की शुरुआत होगी। अगर मैं एक लमसम डेट बताऊं आपको तो मंडे जो आने वाला सोमवार है, ये आने वाले मंडे से बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके अपने स्कूल कॉलेज में फॉर्म भरने की शुरुआत हो जाएगी। रही बात लास्ट डेट की, कि ये जो अक्टूबर का 10 या 11 अक्टूबर को जो लास्ट डेट रखा गया है, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो ये डेट बढ़ेगा, कई बार बढ़ेगा, लेट फाइन से पहले कम से कम 2 बार या फिर मैक्सिमम 3 बार बढ़ेगा, उसके बाद लेट फाइन में भी बढ़ेगा। लेकिन आपको ये लेट फाइन का या फिर लास्ट डेट बढ़ने का इंतजार नहीं करना है, जितनी जल्दी अपना फॉर्म भर के जमा कर दें उतना अच्छा है। दूसरी चीज़ कि हम अपना डिटेल चेंज कर सकते हैं कि नहीं, देखिए रजिस्ट्रेशन जो ये होने वाला है, इसमें आपने एडमिशन में क्या सब्जेक्ट चुना, क्या नहीं चुना, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जब ये रजिस्ट्रेशन कराने अपने प्लस टू स्कूल या कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म में आपकी सारी चीज़ें भरी हुई रहेंगी, प्रिंट की हुई रहेंगी, छपी हुई रहेंगी, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, मोबाइल नंबर वगैरह, बहुत कुछ उसमें छपा रहेगा, मोबाइल नंबर शो नहीं रहेगा, तो ये सारी चीज़ें छपी रहेंगी। अब आप सोच रहे हो कि ये सारा डिटेल आया कहाँ से बिहार बोर्ड के पास, तो आपको याद होगा कि आपने इंटर में एडमिशन का टाइम ऑनलाइन किया था, OFSS के पोर्टल से ऑनलाइन किया था, वो ऑनलाइन फॉर्म या तो आपने खुद से भरा होगा या फिर किसी साइबर कैफे से भरवाया होगा। उस फॉर्म को भरने के दौरान जो भी आपने डिटेल डाला, उस फॉर्म में जो डिटेल था आपका, वही डिटेल उठा करके यहाँ रजिस्ट्रेशन के फॉर्म में डाल दिया जाता है, यानी कि आपका फोटो वगैरह भी वहीं से आ जाता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके उस OFSS के एडमिशन फॉर्म में गलती होगी, तो यहाँ आपके इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी गलती छप के आएगा, इसको सुधार करवाना होगा आपको। तो यहाँ पर सुधार करवा सकते हैं, एडमिशन में क्या था क्या नहीं था उससे कोई मतलब नहीं है, आप सुधार करवा सकते हैं, आपके पास पूरा अथॉरिटी है, सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं, आप अपने नाम, पिता के नाम, माता के नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, कोटी, कहीं पर कोई गलती है उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन संकाय को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप आर्ट्स में एडमिशन करा चुके हैं, एडमिशन आपका आर्ट्स में हुआ तो आर्ट्स ही रहेगा, साइंस में हुआ तो साइंस ही रहेगा, कॉमर्स में हुआ तो कॉमर्स ही रहेगा, यानी ये फैकल्टी को आप चेंज नहीं कर सकते। फैकल्टी छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों को जो आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरेंगे, यानी कि पहले से जो छपके आएगा उसको जो चेंज करेंगे वही रहेगा, मतलब चेंज करने के बाद वो चेंज हो जाएगा लेकिन फैकल्टी चेंज नहीं होगा। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इतनी सारी बातों का ध्यान रखना है, साइन जरूर करें जहां पर आपका स्पेस रहेगा, क्योंकि आपका फोटो तो वहां OFSS के पोर्टल से आ जाएगा लेकिन वहां पर साइन अपलोड नहीं हुआ था, तो साइन आपको करना पड़ेगा, साइन इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होगा और वही साइन आपका आगे रजिस्ट्रेशन कार्ड में भी छप के आएगा। जो इसमें चुनेंगे, जो इसमें सेलेक्ट करेंगे, वही आपका आगे बिहार बोर्ड के पास डेटा जाएगा। तो इसमें बहुत ध्यान से भरना है आपको, इसमें गलती नहीं करनी है। तो संकाय को छोड़कर सारी चीज़ों को आप बदल सकते हैं, सारी चीज़ों को आप डिटेल चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद फॉर्म की बात करें तो दो तरह का
फॉर्म इस बार जारी हुआ है, एक तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए और एक रेगुलर स्टूडेंट के लिए। रेगुलर स्टूडेंट के लिए जो फॉर्म रहेगा वो सब कुछ छपा हुआ रहेगा, प्राइवेट वालों का फॉर्म जो रहेगा वो छपा हुआ नहीं रहेगा बल्कि वो ब्लैंक रहेगा। तो रेगुलर और प्राइवेट दोनों का फॉर्म कैसा होगा उसको मैं पूरा भर के आपको बताऊंगा, उसका अलग से वीडियो आने वाला है। जैसे ही बिहार बोर्ड ये पोर्टल पर हम लोगों के यानी कॉलेजों के पोर्टल पर जैसे ही ये फॉर्म अपलोड कर देगा, उस फॉर्म को डाउनलोड करके मैं आपको भर करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, ताकि आपसे गलती ना हो। तो उस वीडियो का आपको फिलहाल इंतजार करना है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।